मंच को रन करते हुए ऑलमोस्ट 6 साल हो गए मुझे और 4000 गर्ल्स यहाँ से यू नो पढ़ लिख के गई हैं, कोर्स करके गई हैं. बेसिकली डिवाइन टच है जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट, ब्यूटी पार्लर, स्टिचिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, एजुकेशन, अंडर प्रिविलेज गर्ल्स जो हैं उनको हम ये देते हैं. और बहुत खुशी की बात है कि कपिल पाजी आ जाए हैं और बच्चे बहुत खुश हो गए हैं इनको देख के. सो पिछले 2 साल से हमारा मुंबई में सेंटर नहीं चल रहा था लेकिन दिल्ली में चल रहा था. अभी हमने दोबारा से इसको स्टार्ट करा और खुशी है कि और बच्चों को हम ट्रेनिंग दें, उनको सही रास्ता दिखाएं. बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, प्योर सोल्स हैं ये. और आज इस बात की और भी खुशी है कि हम लोग डिवाइन टच के साथ यहाँ पे जो सेंटर ओपन हुआ है, सो आज हमें भी मौका मिला आज बैसाखी बच्चों के साथ मनाने का. और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं बिकॉज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और थैंक्स टू मिका पाजी, आज इनकी वजह से हमने बच्चों के साथ इतना अच्छा समय बिताया. मैं तो इनका हमेशा फ़ैन रहा हूँ और अब तो और बड़ा फ़ैन हो गया हूँ कि जिस तरीके से ये हेल्प करते हैं लोगों को. अभी एक एक्टर की इन्होंने बहुत हेल्प की तो सुन के ही बहुत खुशी हुई. और आज जब मैं इन बच्चों से मिला और जब मुझे मालूम चला कि इन्होंने 4000 बच्चों को पढ़ाया है और इन बच्चों की मुस्कुराहट देख के, खुशी देख के इतना अच्छा लग रहा था. आई थिंक मेकअप अजी यू आर डूइंग सुपर्ब जॉब. उम्मीद है कि जो भी बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे चल के ये हमारे देश का भविष्य है. सो दिल से दुआएं हैं इनके लिए, मिका पाजी के लिए. ईश्वर इनको और पैसा दे, इनको और शक्ति दे, ये अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं. सो ये पहले, हालांकि मेरी ये पर्सनल मेरे ऐसा ओपिनियन है कि यार जो भी आप करते हो करते रहो. और शायद लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है, जब भी आप कुछ करते हो वो दुनिया को बताना ज़रूर चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि 4 लोग जो हैं और इनकरेज होते हैं और अच्छा काम करने के लिए आते हैं.